प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड की एक यात्रा। सदियों से मनुष्य सितारों को निहारता रहा है और विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचता रहा है। रात का आसमान हमेशा प्रेरणा और जिज्ञासा का स्रोत रहा है, जो हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में गहन प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन सभ्यताओं ने अपने अपने अनूठे ब्रह्मांड विज्ञान विकसित किए, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाते हुए ये प्रारंभिक व्याख्याएं उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। इनमें प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान अपनी गहन अंतर्दृष्टि और स्थायी प्रासंगिकता के लिए सबसे अलग है। भारतीय ऋषियों और विद्वानों ने अपनी टिप्पणियों और सिद्धांतों को बहुत ध्यान से लिखा है, जिससे ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा का निर्माण हुआ है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे पवित्र ग्रंथों में संरक्षित ये लेखन ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करने वाले प्राचीन विचारकों के दिमाग में एक खिड़की प्रदान करते हैं। यह प्राचीन ज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों की एक मनोरम झलक पेश करता है, जो ऐसी अवधारणाओं को प्रकट करता है जो आश्चर्यजनक रूप से उन्नत हैं और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ प्रतिध्वनित होती है। ये एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो आधुनिक वैज्ञानिक विचारों का पूरक है और उन्हें चुनौती देता है। इन प्राचीन ग्रंथों की जांच करके हम उन अंतर्दृष्टि को उजागर कर सकते हैं, जो अतीत और वर्तमान, परंपरा और नवाचार के बीच की खाई को पाटती है। मेरे साथ एक यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं और समकालीन वैज्ञानिक समझ से इसके उल्लेखनीय संबंधों का पता लगाते हैं। साथ में हम उस कालातीत ज्ञान को उजागर करेंगे, जो ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज को प्रेरित और सूचित करता रहता है। ब्रह्मांडीय अंडा, सृजन के रहस्य से पर्दा उठाना। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में एक मनोरम सृजन मिथक है, हिरण्यगर्भ की अवधारणा, स्वर्णिम अंडा या ब्रह्मांडीय अंडा। दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में वर्णित यह विचार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक काव्यात्मक और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो शून्यता का समय, शुद्ध क्षमता का शून्य। इस शून्य से हिरण्यगर्भ का उदय होता है, जिसके भीतर सृष्टि के सभी बीज होते हैं। यह ब्रह्मांडीय अंडा ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी विलक्षणता जहां सभी पदार्थ और ऊर्जा केंद्रित हैं। बिग बैंग की गूंज ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में गूंजती है। हिरण्यगर्भ और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान दो प्रतीत होने वाली असमान अवधारणाएं फिर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हिरण्यगर्भ या स्वर्णिम गर्भ की अवधारणा बिग बैंग सिद्धांत से एक आश्चर्यजनक समानता रखती है, जो आधुनिक विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है। दोनों विचार इस गहन रहस्य में उतरते हैं कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। बिग बैंग बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म, घने अवस्था से शुरू होकर अरबों वर्षों में विस्तारित होकर उस ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जिसे हम आज देखते हैं। यह विस्तार आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों को आकार देता रहता है। जिस तरह हिरण्यगर्भ में हर चीज की क्षमता होती है, उसी तरह बिग बैंग विलक्षणता उस प्रारंभिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जहां से सभी पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय का उदय हुआ। यह अनंत घनत्व और तापमान का बिंदु है, ब्रह्मांड का बीज। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच यह उल्लेखनीय समानता हमारे ब्रह्मांडीय मूल को समझने की स्थायी मानवीय खोज पर प्रकाश डालती है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की यात्रा ज्ञान की एक कालातीत खोज में अतीत और वर्तमान को पाटती हुई जारी है। अनेक संसार, लोकों की अवधारणा की खोज। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करने से परे जाकर इसकी संरचना और संरचना का पता लगाता है। इस समझ के केंद्र में लोकों की अवधारणा है, जो दुनिया या अस्तित्व के विमानों का अनुवाद करती है। ये लोक केवल भौतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि चेतना और वास्तविकता के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जटिल धागों से बुने हुए एक विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री की कल्पना कीजिए। प्रत्येक धागा एक लोक का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोक आपस में जुड़े हुए हैं,
अस्तित्व का एक जटिल जाल बनाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की धारणा से बहुत आगे तक फैला हुआ है। सेक्शन 5, समानांतर ब्रह्मांड, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सेतु। प्राचीन भारतीय विचारों में कई लोगों की अवधारणा आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से समानांतर ब्रह्मांडों या बहुविविध विचारों के विचार में दिलचस्प समानताएं पाती है। स्ट्रिंग सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी जैसे सिद्धांतों के माध्यम से आधुनिक भौतिकी हमारे अपने साथ साथ कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व की संभावना का सुझाव देती है, प्रत्येक के अपने भौतिक नियमों और स्थिरांक के साथ। जबकि ये वैज्ञानिक सिद्धांत अभी भी विकास के अधीन है, प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के लोगों और बहुविविध की अवधारणा के बीच प्रतिध्वनि जिज्ञासा जगाती है और विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के चौराहे पर आगे की खोज के लिए आमंत्रित करती है। सेक्शन 6, द कॉस्मिक डांस, सृजन और विनाश के चक्र। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड के एक गतिशील दृश्य को प्रस्तुत करता है जो सृजन और विनाश के चक्रों पर जोर देता है। सृजन, संरक्षण और विघटन का यह ब्रह्मांडीय नृत्य हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का केंद्र है। ब्रह्मांड को एक स्थिर इकाई के रूप में नहीं बल्कि एक सतत विकसित और परिवर्तनशील वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। जैसे दिन के बाद रात और ऋतुएं बदलती हैं, ब्रह्मांड जन्म, वृद्धि, क्षय और नवीनीकरण के चक्रीय चरणों से गुजरता है। सेक्शन 7, चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान, प्राचीन अंतर्दृष्टि की आधुनिक गूंज। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल जैसे चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान और बिग बाउंस सिद्धांत के साथ प्रतिध्वनित होती है। ये सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार के अंतहीन चक्रों से गुजरता है, जैसे बिग बैंग, उसके बाद संकुचन जिससे एक नया बिग बैंग और सृजन का एक नया चक्र शुरू होता है। जबकि ये सिद्धांत अभी भी जांच के दायरे में है, वे प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण के बीच एक आकर्षक अभिसरण प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 8, प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक रहस्य उद्घाटन, वैज्ञानिक प्राचीन ज्ञान का अन्वेषण करते हैं। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान की गहराई और परिष्कार ने वैज्ञानिकों और विद्वानों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है। शोधकर्ता तेजी से इन प्राचीन ग्रंथों की ओर रुख कर रहे हैं, शाब्दिक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट के रूप में नहीं लेकिन प्रेरणा और रूपक अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में। वे खोज कर रहे हैं कि ये प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान कैसे अंतर संबंध पर उनके जोर के साथ चक्र और चेतना और ब्रह्मांड की परस्पर क्रिया समकालीन वैज्ञानिक प्रश्नों पर नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सेक्शन 9, ज्ञान का एक टेपेस्ट्री, प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोणों को एक साथ बुनना। जैसे ही हम ब्रह्मांड के रहस्यों में उतरते हैं, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक खोज के धागों को एक साथ बुनना। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान अपनी गहन अंतर्दृष्टि और स्थायी प्रासंगिकता के साथ हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड को समझने की मानवीय खोज एक कालातीत प्रयास है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ इन प्राचीन दृष्टिकोणों की खोज करके हम ब्रह्मांड के भव्य टेपेस्ट्री में अपने स्थान की एक समृद्ध और अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष, ब्रह्मांड का स्थायी आकर्षण। ब्रह्मांड के आकर्षण ने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। शुरुआती स्टारगेजर से जिन्होंने आकाश का चार्ट बनाया था, आधुनिक खगोलविदों तक जिन्होंने दूर की आकाश गंगाओं के रहस्यों को उजागर किया, सितारों के प्रति हमारा आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान अपनी काव्यात्मक भाषा और गहन अंतर्दृष्टि के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को देखने के लिए एक अनूठा लेंस प्रदान करता है। प्रतीकवाद और रूपकों से भरपूर ये प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों का पूरक है। जबकि आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की हमारी समझ को आगे बढ़ाना जारी रखता है, प्रत्येक खोज के साथ नए अजूबों और जटिलताओं का खुलासा करता है। इन प्राचीन ग्रंथों में सन्निहित ज्ञान हमें सभी चीजों की अंतर संबंध और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। यह प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल अलग थलग घटनाओं का संग्रह नहीं है
बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की अपनी खोज जारी रखते हैं, हर गुजरते साल के साथ अज्ञात में आगे बढ़ते हुए, आइए हम अतीत के ज्ञान को अपने साथ रखें, इसे अपनी यात्रा का मार्गदर्शन करने और हमारी समझ को सूचित करने दें। हमें जिज्ञासा, विनम्रता और आश्चर्य की गहरी भावना के साथ ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना। ब्रह्मांड अपनी विशालता में हमें इसके भीतर अपने स्थान पर विचार करने और अपने चारों ओर फैली सुंदरता और रहस्य पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करता है।